आज महाराष्ट्र में दही हांडी का त्योहार मनाया जाएगा। आज दिन भर गोविंदाओं की टोली मटकी तोड़ेगी। आम गोविंदाओं के साथ कई सेलिब्रिटीज भी इसमें भाग लेंगे, लेकिन इस बार दही हांडी की रौनक जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी। राज्य में पड़ रहे सूखे के कारण कई बड़े दही हांडी आयोजक जैसे सचिन अहिर और जितेंद्र अहवार जैसे आयोजकों ने दही हांडी ना मनाते हुए इससे जुड़ी जो राशि है वो सूखा पीड़ितों को देने का फैसला किया है। और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारी है, क्या व्यवस्था की गई है, जाने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दादर का, जहां से हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या किस तरह का माहौल, किस तरह के उत्साह आप वहां पर देख रहे हैं गोविंदाओं में? देखिए, गोविंदाओं की टोली माखन चुराने के लिए सड़कों पर निकल चुके। मैं आपको सीधे जो है यहाँ गोविंदाओं को दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ पर जो है वो मटकी फोड़ने के लिए आए, और ये माखन चोर जो है मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे। इनका उत्साह जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो नाच रहे हैं, और दूर वहाँ पे आप देख सकते कितनी ऊंचाई पे वो मटकी बांधी हुई है। इसी मटकी को फोड़ना है इन गोविंदाओं को, और यहाँ पर अलग अलग शहर के अलग अलग कोनों से इलाकों से गोविंदा यहाँ पर आएंगे, और वो यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ थर लगाकर जो है नाचेंगे। इनमें बाल गोविंदाओं का जोश भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं बता दूं आपको, ऊंची दाई तरफ इन गोविंदाओं को देखने के लिए एक बड़ी संख्या में भीड़ भी यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, और वो जो है वो यहाँ पर गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाएंगे पानी डालते हुए। अलग अलग तरह के रंग में गोविंदा जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। इनका उत्साह, ये जो मटकी फोड़ने का एक भले सांस्कृतिक कार्यक्रम तो जरूर है, लेकिन साथ ही में आज के इस दिन माखन चुराने की होड़ जो है सभी गोविंदाओं में लगी रहती है, और हर कोई कोशिश करता है कि ऊंचे से ऊंचा थर बनाकर जो है यहाँ पर उस मटकी को फोड़ कर माखन चुराए। कान्हा की कान्हा को याद करते हुए यहाँ पर जो तमाम गोविंदा अलग अलग आएंगे, और मटकी फोड़ने का कार्यक्रम कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा, लेकिन उत्साह पूरे उफान पर है। जी मानी, बिल्कुल, लेकिन इस उत्साह में थोड़ी सी कमी जरूर देखी जाएगी दिनेश, क्योंकि अगर हम बड़े जो आयोजन करता है वो इस बार इससे थोड़ा सा दूर है। सचिन अहिर की अगर हम बात करें, जितेंद्र अहवार की हम बात करें, मेन जो माने जाते हैं उसमें, और काफी बड़े पैमाने पर वो इसका आयोजन करते थे, तो वो इससे थोड़ा सा दूर है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ उसका असर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, असर इसका जरूर पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह से इस बार सबसे बड़ा सूखा पड़ा, उसे देखते हुए बड़े आयोजकों ने इस बार दही हंडी का आयोजन नहीं किया है, लेकिन जो छोटे और मध्यम दही हंडी आयोजक, उन्होंने इस सांस्कृतिक परंपरा जो रही है हमेशा से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की, उसे बनाए रखने का फैसला किया, और यही वजह है कि इस बार जो है बड़े स्तर पर नहीं लेकिन छोटे और मध्यम स्तर पर जरूर गोविंदा मटकी का आयोजन हो रहा है, और गोविंदा जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इसी तरह से गोविंदाओं का आयोजन किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस भले उतना उत्साह न रहे लेकिन सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दही हंडी के लिए अलग अलग गोविंदा जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और वो जो है अपने इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ। यहाँ पर ये जो है गोविंदाओं का जोश ही जो रहता है इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए है। नाचते हैं, गाते हैं, और अपने अपने स्तर के तरीके से वो जो ऊंचाई पर आपको मटकी दिखाई दे रही है, ये इनका उद्देश्य रहता है कि इस मटकी को वो फोड़े, और जिस तरह से कान्हा अपने बाल काल में जिस तरह से मटकी फोड़ कर माखन चुराया करते थे, उसी तरह से ये भी जो है कान्हा यहाँ पर आए हैं, गोविंदा आए हैं, वो माखन चुराने की कोशिश करेंगे। जी मान, बिल्कुल, ये गोविंदाओं में उत्साह देखते ही यहाँ पर बन रहा है, और अपनी संस्कृति, अपना परंपरा जो है उसको बनाए रखने के लिए। लेकिन दिनेश, मैं आपसे इसलिए कह रही थी जितेंद्र अहवार और सचिन अहिर की बात, क्योंकि ये बड़े मंच थे, और इससे बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज जो हैं वो इससे जुड़ते थे, और उत्साह और ज्यादा बढ़ता था, क्योंकि उन चेहरों को देखने के लिए भी कई तादाद में यहाँ पर लोग आते थे, भीड़ जुटती थी। तो ऐसे में सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें, तो क्या अब वो जुदा रहेंगे या आएंगे, कितना तड़का इनका लगता है? देखिए, आप बड़े बड़े सितारों की अगर हम बात करते हैं, चाहे सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, अजय देवगन हो, चाहे कोई और बड़े फिल्मी सितारे हो जिनमें कई बड़ी अभिनेत्रियां भी हैं, वो लोग इस बार बड़े दही हंडी का आयोजन न होने की वजह से वो अब ऐसे कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। साथ ही में एक जो जिस तरह से सूखा पड़ा है, किसान परेशान है, उसमें अगर वो इतने बड़े आयोजन में आते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी जो है गोविंदाओं पर फेंका जाता है, तो उसे देखते हुए शायद ये गलत होगा, और यही वजह कि इस बार बड़े स्तर पर दही हंडी का आयोजन नहीं होने की वजह से इन सितारों को भी बुलाया नहीं गया। वो खुद भी किसानों के दुख में शामिल है, लेकिन छोटे स्तर पर जरूर कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ उन्हें बुलाया जाएगा वो जरूर जाएंगे, लेकिन जो जोश उत्साह और जितने बड़े पैमाने पर गोविंदा इन्हें देखने के लिए आम लोग भी आते थे वो इस बार नहीं आएंगे। जी चलिए,
बिल्कुल, और ये हंसी ठिठोली देखने के लिए हम जरूर समय समय पर आपके पास आते रहेंगे। अपडेट के लिए फिलहाल शुक्रिया दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।